मुंबल से अगवा फहीम के आरोपियों ने हत्या कर दी। पुलिस ने दो महिलाओं समेत चार हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर गुमशुदगी केस का खुलासा किया है। एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि चंदोसी कोतवाली के सीकरी गेट का फहीम 19 मई को घर से अलीगढ़ जाने को कहकर लापता हो गया, जिसका शव अलीगढ़ में नहर से वहां की पुलिस ने बरामद किया था। कपड़ों के आधार पर उसके परिजनों ने फहीम की शिनाख्त की। पुलिस की माने तो एक महिला को ब्लैकमेल करने की रंजिश में रामपुर, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर के लोगों ने उसे नशा देकर पत्थर से बांधकर नहर में फेंक दिया था। दो महिलाओं समेत हत्या में शामिल चार हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर एसपी ने मामले का खुलासा कर दिया। थाना चंदौसी के अंतर्गत ये एक मृतक जिनका नाम श्री फहीम खान, ये निवासी सीपी गेट के थे। इनका 19/5 को इनके घर वालों ने सूचना दी थी कि ये अलीगढ़ गए थे अपने घर से बताकर, उसके बाद वापस नहीं लौटे। तो इस बारे में पुलिस के द्वारा भी इनको ढूंढने का प्रयास किया गया, घरवाले भी इनके ढूंढ रहे थे तो कोई जानकारी नहीं मिली। तो इसमें 9 जून को इसमें गुमशुदगी इनकी दर्ज की गई थी। इसके पश्चात जिन लोगों पर शक था उन लोगों को बुलाकर पूछताछ की जा रही थी। इसी पूछताछ के क्रम में आज चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम जीशान, शंभू, सायदा और अफसाना है। ये रामपुर और अलीगढ़ जिलों के रहने वाले हैं। इसमें पूरी विस्तृत जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि इन चारों लोगों के द्वारा इस फहीम खान नामक व्यक्ति को अलीगढ़ बुलाया गया था। अलीगढ़ में इसको कुछ देर रखा, उसके बाद में चूंकि फहीम खान का इनके घर की एक महिला के साथ में अवैध संबंध था, अतः इन्होंने उसको वहीं पर उस एक नहर है हरदुआगंज थाने के अंतर्गत, उसके बरेठा नामक पुल पर नहर में पत्थर बांधकर इसको फेंक दिया, जिससे कि वहां पर इसकी मृत्यु हो गई। 28 जून को इनकी डेड बॉडी बरामद की गई थी। वहां पर हरदुआगंज पुलिस के द्वारा उनके द्वारा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। तो अब उनके जो बचे हुए कपड़े और जो फोटो इत्यादि थे उसके माध्यम से इनके परिजनों ने इनकी शिनाख्त की है। और अब ये जो चारों मुलजिम है इन सभी को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। और इनकी जो हत्या है, ये जिस दिन ये यहाँ से गए थे 19 मई को, उसी दिन इन लोगों के द्वारा कर दी गई थी नहर में फेंकने से। पोस्टमार्टम में अभी डेड ड्यू टू ड्राउनिंग आया है, तो इनकी जो पूछताछ में जो चीजें आई हैं वो पूरी कनेक्ट हो रही हैं। इस तरह से इन लोगों इस हत्या का अनावरण किया जा रहा है। इसमें दो पुरुष हैं जिनका नाम है जीशान और शंभू, दो महिलाएं एक सायदा और एक श्रीमती अफसाना, ये चार। इसमें जीशान जनपद रामपुर के, शंभू जनपद गौतम बुद्ध नगर, सायदा जनपद रामपुर और अफसाना ये अलीगढ़ जिले की मूल निवासी। हाँ जी, इन लोगों की जब पूछताछ में ये पता चला कि इनके जो इसमें अभियुक्ता है सायदा, इसके साथ में इनका पहले अवैध संबंध था, जिसके आधार पर ये कई बार उसको ब्लैकमेल की करने की कोशिश की थी, ऐसा इन अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया है। बाकी मामले की विस्तृत जांच की जा रही है, विवेचना में जैसा होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।